ఓకే, చాప్టర్ నెంబర్ 13 ఫోటోసింథేసిస్ ఇన్ ద హయ్యర్ ప్లాంట్. ఫోటోసింథేసిస్ హయ్యర్ ప్లాంట్ మే పహలా క్వశ్చన్ హై విచ్ మెటల్ అయన్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. తో క్లోరోఫిల్ మే ఇన్ చారో మే కౌన్ సా మెటల్ అయన్ హోతా. తో సింపల్ సా హై, క్లోరోఫిల్ మే మ్యాగ్నీషియం అయన్ హోతా హై, జో కి క్లోరోఫిల్ మే మ్యాగ్నీషియం అయన్ హోతా హై. ఠీక్ హై, తో ఇస్కా ఉత్తర తో సింపల్ హై, ఫస్ట్ కా సీ సహీ హో జాయేగా, క్లోరోఫిల్ మే మ్యాగ్నీషియం అయన్ హోతా హై. ఠీక్ హై, బాకీ ఔర్ దేఖ్ లేతే హై ఔర్ క్యా హై. ఓకే, तो आयरन क्या करता है? आयरन जो है ना मैग्नीशियम में तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये एसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए. आयरन जो है उसमें नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल में नहीं पाया जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है. ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन हो, एनसीईआरटी में लिखी है कि आयरन इज द एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. तो ये नहीं होगा कि बस ये ज़रूरत रहती है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए आयरन की. ठीक है, बल्कि आयरन पाया कहाँ जाता है? आयरन पाया जाता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, मॉलिब्डेनम आयरन पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम में. ठीक है, फिलहाल छोटे इसको कापर, कापर रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. कापर, कापर किस में इन्वॉल्व होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में, सी यू प्लस से सी यू टू प्लस में कन्वर्ट होता है प्लांट में. और मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में पाया जाता है. ठीक है, और जिंक, जिंक जो है जेडन टू प्लस आयन के रूप में प्लांट में ऑब्जर्व होता है. और ये है ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है में हेल्प करता है. और एक काम और है इसका, कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द कार्बोक्सिलेज एंजाइम. तो इस चारों आयन के काम होगा छोटा, मतलब शॉर्ट में. ओके, तो इसका लेकिन उत्तर हो जाएगा कि कॉन्स्टेंट ऑफ क्लोरोफिल मैग्नीशियम होगा, सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी. तो कौन सा पिगमेंट होता है जो रिएक्शन सेंटर में होता है, जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है. क्लोरोफिल ए होता है जो वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, डायरेक्टली. तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा ए सही हो जाएगा. ठीक है, अगर इसमें से देखें कि कलर, तो क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. और जो जेंथोफिल होता है वो येलो कलर पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड येलो से येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है. फिलहाल ये सब है बकवास है, सीधा उतना था लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो क्लोरोफिल ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रेंज ऑफ द वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब पी ए आर की वैल्यू बतानी है. पी ए आर की वैल्यू होती है 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर के बिटवीन होती है. तो ये हो गई रेंज पी ए आर की. तीसरे का सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस. तो कौन सी लाइट रेंज जो है मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में? तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दे रखा है. ये दे रखा है ब्लू, ग्रीन, रेड और वायलेट. ये तो सब करेक्ट है कि जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू और रेड रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में. ग्रीन और वायलेट में तो नहीं होती, ग्रीन में तो बहुत कम होती है. ठीक है, तो ग्रीन वायलेट नहीं, ब्लू और रेड दोनों से हो जाएगा इसका. ठीक है, तो एक आइडिया मेरे हिसाब से तो ब्लू और रेड होना चाहिए. अब पता नहीं ब्लू और रेड में कौन से ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, ब्लू और रेड दोनों में तुलना करने पे. तो इसका तो नहीं, लेकिन अब तक ए और सी ही मेरे हिसाब से होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक क्या है? हाँ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से ऑप्टेन करती है? देखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करती क्या है, जो रॉ इनर, पहली बात इसका रॉ सब्सटेंस जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है. इनऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल में होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो, ठीक है, या जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करता है उसी समय ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता रहता है. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही एनर्जी को ये ऑब्टेन कर लेता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ओके, और ये रिएक्शन जो होती है कैसी रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है एक्सर्जोनिक रिएक्शन. ठीक है, ओके, बस इतना ही याद रखना है कि जो ये एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से. जब इनऑर्गेनिक मटेरियल को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक फूड में या ऑर्गेनिक मटेरियल में का सब्सटेंस में कन्वर्ट करते रहते हैं, उसी टाइम ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं. तो इसका हो जाएगा कौन सा उत्तर सही? इनऑर्गेनिक, पाँचवा का डी सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस इन द पीएस सेकंड कम फ्रॉम. तो जो पीएस, जो एनर्जी एटीपी सिंथेसिस के दौरान पीएस सेकंड में एनर्जी कहाँ से आती है? तो पीएस सेकंड में
सॉरी एटीपी सिंथेसिस इन पीएस सेकंड कम फ्रॉम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस इन द पीएस सेकंड कम फ्रॉम, तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब डेवलप हो जाता है तो उसी से जो है एनर्जी आ जाती है, तो छठे का ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर द फॉर्म, तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है, एटीपी बनता है, हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है, तो देख लो कौन सा है। अच्छा हाँ, अब हाइड्रोजन डोनर है कि ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन डोनर तो नहीं बनता है, सिंपल ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन डोनर बनता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सत्य का कि एटीपी हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन बनता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, द फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है उसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लाइट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है उस पे डिपेंड नहीं करती है डार्क रिएक्शन, ना कि लाइट एनर्जी पे डिपेंड करती है, तो 8वें का बी सिंपल से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पेप इज प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर, पेप जो सब्सटेंस होता है, पेपकेज एंजाइम या बोलो पेपकेज एंजाइम जो होता है वो सी फोर प्लांट में होता है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ सी ओ टू होता है सी फोर प्लांट में, और बनाता है ऑक्सैलोइस्टिक एसिड या इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओ ए ए, तो पेप इज ए प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन द सी फोर प्लांट, जबकि सी थ्री प्लांट में जो है प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर कौन सा होता है, प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर होता है वो रूबिस्को होता है, रूबिस्को। ठीक है, लेकिन ये सी थ्री प्लांट में होता है। ठीक है, तो सी थ्री पूछा नहीं है, पेप पूछा है, पेप जो है सी फोर प्लांट में हो जाएगा, पेप प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर सी फोर प्लांट में, रूबिस्को प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन सी थ्री प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर एसोसिएट विद द, तो पहली बात स्प्लिटिंग होता है जो मैगनीज और क्लोरीन में आयन की हेल्प से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, और ये पीएच सेकंड में होती है, पीएच सेकंड में होती है, होती कहाँ पे, इनर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, इनर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मैग्नीज क्लोरीन आयन की हेल्प से होती है पीएच सेकंड में और इनर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में। देख लो ऑप्शन कौन सा है, पहला पीएच फर्स्ट नहीं, ल्यूमेन ऑफ द थायलाकॉइड नहीं, पॉथ पीएच फर्स्ट पीएच सेकंड नहीं, सिर्फ पीएच सेकंड रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, इनर सर्फेस ऑफ द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन सही है, तो 10वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में जो करेक्ट सिक्वेंस है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो क्या है, सिंपल सा, पी एस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन का जो हो जाएगा प्लास्टिक यूनियन में, प्लास्टिक यूनियन से साइटोग्राम में, साइटोग्राम से पी एस फर्स्ट एंड देन फेराडॉक्सिन, तो पहला ही सही है। ठीक है, तो 11 का ऐसे ही हो जाएगा। 12, एंजाइम दैट इज फाउंड इन द सी थ्री प्लांट, तो कौन सा एंजाइम है जो सी थ्री प्लांट में पाया जाता है, सिंपल सा अभी ऊपर क्वेश्चन था, जो एंजाइम सी थ्री प्लांट में जो एंजाइम होता है वो क्या पूछा, अच्छा सॉरी नॉट फाउंड, कौन सा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो सी पेपकेज नहीं पाया जाएगा, बाकी रूबिस्को तो पाया ही जाएगा क्योंकि यही प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर ही होता है। ठीक है, पेपकेज जो है सी फोर प्लांट में पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाएगा, एनएडीपी डिडक्टेज और एटीपी सिंथेटेज तो पाया ही जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर है कि द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ द सी ओ टू इज कैटालाइज्ड बाई, ठीक है, तो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू, अच्छा देखो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू सी थ्री प्लांट में जो होता है वो कौन करता है, सी थ्री प्लांट में प्राइमरी सी ओ टू को फिक्स करता है रूबिस्को या आर यू बी पी कार्बोगिलेज बोलते हैं, सही है। ठीक है, और जबकि सी फोर प्लांट में सी ओ टू को फिक्सेशन करता है कौन सा, वो है पेपकेज, ठीक है, पेप कार्बोगिलेज बोलो, पेप कार्बोगिलेज। ठीक है, तो और ये बनाएगा क्या, सी फोर प्लांट में तो उस पेपकेज जो है सी फोर प्लांट में सी ओ टू को फिक्स करके ओ ए ए बनाता है। ठीक है, और सी थ्री प्लांट में जो है प्राइमरी फिक्सेशन जो सी ओ टू का करता है वो उसका नाम है वो क्या है, सी थ्री प्लांट में रूबिस्को। ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है, नहीं आर यू पी कॉपी तो करता है, लेकिन और देखेंगे पेप कार्बोजिल भी करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, आर यू पी कार्बोजिल पेप कार्बोजिल दोनों करते हैं,
पीजी सी डी जे नहीं करता है, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सी है, ए बी दोनों करेगा, तो मतलब ए बी सी वाले ऑप्शन दोनों दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। 14 नंबर है, व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज इज, तो फिर से वही क्वेश्चन है क्या, पेप अगर जो है CO2 को फिक्स एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, वही बनाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या ऑक्जेलोएसिटेट ऑक्जेलोएसिड है, ठीक है। तो 14 का डी सी हो जाएगा, सिंपल सा